नमस्कार, मैं शिवमणि त्यागी। उत्तर प्रदेश की प्रथम विधानसभा है बेहट क्षेत्र है, वहां हम पहुंचे हैं। और मेरे पीछे की आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये परिवार हैं, वन गुर्जर इनको कहते हैं। और हम यहां से निकल रहे थे, ऊपर से रास्ता है, नीचे हमने इनकी ये झोपड़ियाँ देखी, तो हमने इनसे बात करना चाहा। और इन्होंने बताया कि इनकी वोट है, पहले ये शाकंबरी खोल में पीछे रहा करते थे, लेकिन अक्सर वहाँ पानी आ जाता है, बाढ़ आ जाता है और इनके जो घर हैं वो गिर जाते हैं। तो वहाँ से विस्थापित होकर ये थोड़ा सा मैदानी इलाके की ओर आ गए हैं। कलसिया ये कस्बा है, और कलसिया कस्बे से जब आप शाकंबरी सिद्धपीठ के लिए आगे बढ़ते हैं तो नीचे ही आपको इनके जो ये झोंपड़ियाँ हैं ये आपको देखने को मिल जाएंगी। तो आइए हम इनसे बात करते हैं, किस तरह का जीवन ये लोग जी रहे हैं और क्या क्या कठिनाइयाँ इनको आती हैं। क्या नाम है आपका? सहनबी। सहनबी जी। सहनबी मुस्लिम है आप? हाँ, मुसलमान है। मुसलमान है। हाँ। वन गुर्जर हैं आप? वन गुर्जर हैं। अच्छा, तो पहले कहाँ रहते थे? यहाँ से पहले वहीं रहते थे, खोल में, सहसरा में। सहसरा में रहते जी। वहाँ किस तरह की दिक्कतें थी? वहाँ पर क्या हुआ? वहाँ से आप? यही हुई बस, चुहांद नहीं था। हाँ। बरसात में पानी नहीं था। हाँ। हाँ। पानी नहीं था। हाँ। मतलब कभी पानी नहीं था और कभी बाढ़ आ जाती थी। हाँ। ये भी होता था। हाँ। तो आपके घर ढह जाते होंगे, आपके घर नुकसान होता होगा पानी आने पर। हाँ, पानी पुनी आ जाता वहाँ। तो क्या होता था उससे? डंगर डूंगर बह जाते थे, दिक्कत हो जाती आर पार निकलने की, बस ये। आपके बच्चे पढ़ते हैं? नहीं, बच्चे नहीं पढ़ते, भी झूठ बोल के क्या फायदा, यही पढ़ाता है लंबरदार, अपने घर ही पढ़ाता अपने बच्चों को। लंबरदार मतलब आपके जो परिवार के मुखिया हैं? हाँ, जो हमारा मालिक है। हाँ। वो तो वो कितने पढ़े हैं? वो पढ़े हुए हैं। क्या करते हैं वो? वह कुछ भी नहीं, अब बीमारी रहता है, अब भी किसी की भैंस के चोट लग गई वहीं गया हुआ ऊपर खोल में। अच्छा। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे मेरे पे, बच्चे सब अलग अलग हो गए, जो थे दो साथ है, ये पोती है, इनका बाप मर गया था, गुजर गया था। कैसे कैसे क्या हुआ था? टीवी का मरीज था। टीवी? आपका वोट है? हाँ। तो अभी तक कोई नेता वोट मांगने आए आपके पास? नहीं आए, किसी भी पार्टी का कोई नेता नहीं। ना। और आप जब वोट करते हैं, अगर कोई भी वोट नहीं मांगने आएगा, किसको वोट करेंगे? मांगने आएंगे। अच्छा, किस आधार पे आप वोट करते हैं? आपकी कोई डिमांड है, क्या चाहते हैं आप जी? हमारी मांग क्या, हमारी मांग तो है जी, कोई बाहर ठिकाना बन जाए, वसीला बन जाए, एक दो बीघा जमीन मिल जाए, अपना ठिकाना बना ले अपने बच्चों के लिए, अपने जिंदे जिंदे। और हमारी मांग क्या है? पहले भी क्या नेता आए होंगे आपके पास पिछले चुनाव में वोट मांगने के लिए? हाँ? क्या वादे किए थे किसी ने कुछ? हाँ, वहाँ डाले थे सेंसरा कोटड़ी, कोटड़ी में वोट डाले थे। हाँ? कुछ वादे किए थे, कुछ भरोसा दिलाया था किसी ने आपको? इतने हम जानकारी नहीं, हम पढ़े लिखे हुए नहीं, हमारे पैसे वोट लिए, हमने वोट दे दिए। तो अब आप किसको वोट करने वाले हैं इस बार? जितने भी वन गुर्जर हैं उनकी कोई मीटिंग हुई है, किसको वोट देंगे, क्या करेंगे? हम तो उधर पर घर से बाहर जाते ही नहीं, हम तो घर ही पर रहते हैं, जो हमारा मालिक है वो जाता है बाहर। तो मालिक के कहने पर वोट देते हैं? कैसे देते हैं? नहीं, मालिक के कहने पर वोट नहीं, वोट भरे है। आपका वोट है? हाँ। अगर अभी तक कोई आया नहीं है आपसे वोट मांगने के लिए, 14 फरवरी को चुनाव होना है, मतदान होना है। हाँ। अगर इस पीरियड में कोई नहीं आता आपके पास तो फिर आप किसको वोट करेंगे? एक दो दिन पहले आएंगे। अच्छा, आपको भरोसा है एक दिन पहले आएंगे? क्या कहेंगे आप उनको जब वो वोट मांगने आएंगे? क्या कहेंगे आप उनको? क्या कहेंगे, वोट मांगेगा दे देंगे हम। कोई अपनी समस्याएं बताएंगे उनको, गिनाना चाहेंगे कुछ? क्या बनाना चाहेंगे अपनी समस्याएं, जो आपके समस्याएं हैं। हाँ? कुछ बताना चाहोगे बच्चों? हाँ? के पढ़ाई के लिए आप बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेजते? लड़की है जी, इन्हें हम भेज नहीं सकते, यहाँ का माहौल खराब है। बात है जो बस लड़कियाँ, तीन चार लड़कियाँ हैं, बच्चे तो जवान हो गए, अब डंगरों को कौन काम करे? अगर इन बच्चों को भेज दूँ, लड़कों को, काम करने वाला कोई नहीं। तो आपकी जो जीविका का साधन है वो पशु हैं, दूध बेचते हैं? क्या करते हैं? दूध बेचते हैं। दूध बेचते हैं। कितने रुपए लीटर दूध बिकता है आपका? दूध 40 भी जा रहा, 50 भी जा रहा, 30 भी जा रहा, बस 30 रुपए लीटर। ये कौन सा दूध है? ये गाय का। तो गाय का दूध तो 50 रुपए लीटर बिक रहा है यहाँ? नहीं बिक रहा यहाँ पे, 30 रुपए लीटर जाता है।
यहाँ पे 30 रुपए लीटर जाता है, गायों को 30 जाता है, मैं का 50, हाँ 40, हाँ इस तरह से जो दुकानों दुकानों वाले वो 50 ले जाते हैं, जो डेयरी में बांध रखा वो 40 का। ये बच्चे हैं आपके, बच्चे आप में से कोई पढ़ने जाता है? नहीं तो। क्या नाम है आपका? हलीमा। हलीमा क्या करती हो दिन भर? घर में काम करती। क्या काम करती हो दिन भर? झाड़ू झूटू लगाती हूँ, घास लाऊं, पशुओं के लिए घास लाती हूँ। तो एक भी स्कूल, एक भी दर्जे स्कूल नहीं गई कभी? नहीं तो। कभी पापा से कहा कि मुझे स्कूल भेज दो? नहीं तो। जाना चाहती हो? अगर मौका मिले स्कूल जाने का तो जाना चाहोगी? बेटा क्या नाम है आपका? नूरजहां। नूरजहां, बहुत अच्छा नाम है। कभी स्कूल गई हो? और अगर जाने का मौका मिले तो जाओगी? क्यों नहीं जाना चाहती बताओ? बोलो बोलो बच्चे। और जो माँ जी इसने कर दी, अपना वसीला बना लिया, ये रोल दिया उसे। क्या इनके पापा नहीं है? ना। और मम्मी? मम्मी ने शादी कर ली। बच्चों को छोड़ गई? बच्चों को छोड़ गई। इनको आप देखते हैं? हाँ जी, इनकी आप ही करते हैं, हम देखभाल इनकी अपनाओ करते। और इनका भाई है उसे साथ ले गई, वो छोटा सा 6 साल का। कहाँ पे शादी हुई है, मिलने नहीं आती अब? ना। आपके पास मोबाइल फोन होते हैं जी, तो बात बात नहीं हो पाती क्या? ना। कितनी बच्चियाँ हैं उनकी? 3 बच्चियाँ। कौन कौन सी बच्चियाँ हैं? 2 तो ये लड़की है। अच्छा, एक लड़का, एक आप हैं और एक आप हैं। दोनों बच्चियों को आपको छोड़ गई हैं। तो बच्चा अगर आपको स्कूल जाने का मौका मिले तो जाओगी स्कूल? क्या चले भी जाते हैं? बोलो। अभी नाड़ी है ना उनका बाप दा जो बच्चे, आप बताओ, आप बताओ, इधर देखो मित्र। तो ये हालात हैं, घाट क्षेत्र ये इलाका है, और वहीं की हमने आपको ये तस्वीरें दिखाई। ये इन लोगों के घर हैं, किस तरह से ये लोग रहते हैं वो भी आपने सुना। और एक और जन यहाँ पहुँच गए हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है बाबूजी आपका? इद्रीस। इद्रीस, तो आप पढ़े लिखे हैं इद्रीस जी? एक दो पार पढ़ता जी वैसे। तो बच्चे को पढ़ाते हैं आप? नो। क्या करते हैं? अभी हम तो नमाज पढ़ो जी। नमाज पढ़ते हैं। अच्छा, वैसे दिन भर क्या काम करते हैं? अली मरीमरा हो जाओ हम लोग। हाँ, मरीमरा हो जाओ। मस्जिद में रहते हैं? अच्छा, अभी कोई चुनाव में वोट मांगने आया आपसे? हाँ जी आए थे। कौन आए थे? आए थे हत्तीवर, उमर खान भी गाते हैं। उमर अली खान साइकिल से हैं? हाँ साइकिल से। वो भी आए थे और बसपा वाले आए थे? तो भाजपा वाले नहीं आए अभी? नहीं भाई, नहीं। तो क्या किस तरह से वोट करते हैं आप? पार्टी देखते हैं क्या, किस आधार पे वोट करते हैं? जिस टाइम पार्टी को जैसे पढ़ेंगे वोट जी, पार्टी को जैसे पार्टी को देख के। हाँ, किस पार्टी को? जो जिस दो जमा देंगे उससे करिए, मुसलमान देंगे। हाँ जी, मतलब अलग अलग पार्टी बनाना, मतलब जहाँ सभी मुसलमान देंगे वहीं आप देंगे? हाँ। अभी इंतज़ार करेंगे? हाँ। तो कोई बैठक होगी, उसमें तय होगा कैसे? मतलब आपको पता कैसे चलेगा कि मुस्लिम कहाँ वोट दे रहे हैं? मतलब प्रधान की करेगा, जिक्र करेगा, गाँव का प्रधान। आपके गाँव के जो प्रधान हैं वो कोई मीटिंग करेंगे और उस मीटिंग में ये फैसला लिया जाएगा कि मुस्लिमों को कहाँ जाना है। हाँ जी, हाँ वही करेंगे फैसला। तो ये सच्चाई है जो उन्होंने बयां की है, और अभी जो वोटर है उसका मूड क्या है इसका आकलन आप नहीं कर सकते। उन्होंने बताया कि जहाँ सभी मुस्लिम वोटर वोट देंगे वहीं हमको भी वोट देना है, और इसके लिए गाँव के जो प्रधान हैं वो बताएँगे, वो तय करेंगे कि मुस्लिमों को इस बार कहाँ जाना है। सहारनपुर से मैं शिवमणि त्यागी।